गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ेंगे उलट फेर। उलट फेर देखो क्या क्या उलट फेर हो रहा है इसमें। तो इसमें देखिए क्या लिख रहा है, कुटिल बुद्धि प्राणी अंततः अपनी ही कुटिलताओं के फैलाए जाल में फंस जाता है। प्रस्तुत पाठ में दुष्ट राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपनी बनाई हुई पूरी नीतियों के कारण हार जाने पर उसके महत्तम कर्मचारियों ने उसे ही पकड़कर जेल में डाल दिया। तो ये देखिए, ये एक राजा के बारे में है ये कहानी। राजा का एक अद्भुत कानून होता है, उसमें ये नियम रखता है, एक शर्त रखता है कि जो भी कोई मेरे राज्य में आएगा उसको मेरे साथ शतरंज खेलनी होगी, और जो भी कोई वो मतलब जो माल लेकर आता है, जो वो पैसे लेकर आता है, धन दौलत लेकर आता है, उसको वो सब कुछ राजा ले लेता है। क्योंकि उसके पास एक बिल्ली होती है, वो बिल्ली इतनी समझदार होती है, प्रशिक्षित होती है, यानी कि समझ मतलब उसको पूरा शिक्षण दिया जाता है कि वो किस तरह से अपनी मोमबत्तियों को पीठ पर रखती है, और जितने दिन तक वो अपना पूरा माल नहीं हार जाता, जो सौदागर जो भी कोई लोग आते हैं वहाँ से, जब तक वो राजा उनके साथ खेलता रहता है। राजा को अधिकार होता है कि वो भी वो तो कुछ भी जाकर बाहर जाकर कर सकता है, लेकिन जो जो और लोग आते हैं उनको ये अधिकार नहीं होता है। तो देखिए बच्चों क्या है इस चैप्टर की कहानी, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है ये, आपको बहुत मजे आएंगे। चमन नाम का एक सौदागर था, दूर दूर के अनजाने देशों में जाकर अपना सामान बेचता। उसका व्यवसाय था और शौक भी, व्यवसाय यानी उसका ये काम धंधा था, उसका बिजनेस था, और उसको ये शौक भी था कि वो जो सौदागर था चमन नाम का, वो किस तरह से अपना कार्य करता था। इसी प्रकार एक बार वह सुदूर राज्य में गया, यानी कि दूर के एक राज्य में गया, उसके साथ कीमती सामान था जिसे बेचकर वह मुनाफा कमाना चाहता था। राज्य में पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई, इसलिए वह एक सराय में रुक गया। सराय यानी धर्मशाला, धर्मशाला में वो रुक गया। सुबह होते ही उसके पास राजा के कुछ कर्मचारी आए, उन्होंने राज्य के अद्भुत कानून के बारे में उसे बताया। कानून यह था कि उस राज्य में आने वाले प्रत्येक आगंतुक, आगंतुक यानी बाहर से जो भी कोई आता है उसके लिए कहा गया है, को राजा के सामने उपस्थित होना पड़ता था और उसके साथ शतरंज खेलनी पड़ती थी। शतरंज खेलते समय राजा अपनी एक पालतू बिल्ली की पीठ पर 7 जलती हुई बड़ी मोमबत्तियां रखवा देता था। देखो राजा का क्या क्या नियम था कि जो भी कोई बाहर से आगंतुक आया है वो राजा के पास जरूर जाएगा, एक बार उपस्थित होगा, और फिर राजा उसके सामने शतरंज का खेल मतलब जो अपनी शर्त थी उसको बताता था, और बिल्ली थी उसकी पीठ पर मोमबत्तियां रखता था। शतरंज खेलने की पूरी अवधि में वह बिल्ली निश्चल होकर वहां बैठी रहती थी। निश्चल यानी कि बिना हिले डुले वह बिल्ली वहां चुपचाप बैठी रहती थी जितनी देर तक भी वो खेल होता था। शर्त यह थी कि शतरंज लगातार उस समय तक खेली जाए जब तक आगंतुक चाहे, मगर इस बीच उसे वहां से उठने या खाने पीने की कोई सुविधा नहीं दी जाती। अब देखिए क्या होता है कि ये शर्त रखी गई थी कि आगंतुक की इच्छा के अनुसार तक ये गेम खेला जाएगा, और लेकिन उसको बीच में कोई भी उठने की या खाने पीने की सुविधा नहीं दी जाती थी, लेकिन राजा को बीच बीच में उठने तथा खाने पीने का अधिकार था। शतरंज खेलने की अवधि में अगर बिल्ली अपने स्थान से थोड़ा सा भी हिल जाती तो राजा को हारा हुआ माना जाता और उसके सारे राज्य पर आगंतुक का। अब देखिए राजा का कितना गलत नियम था, अपने लिए तो सारे नियम ऐसे थे कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रजा के लिए जो भी आगंतुक आए हैं उनके लिए ऐसी शर्त थी कि वो ना तो हिलेगा ना कुछ खाएगा पिएगा, जबकि राजा ऐसा सब कुछ कर सकता था। बिल्ली को भी ऐसा प्रशिक्षित कर दिया गया था कि वो हिलडुल नहीं थी, वहीं चुपचाप बैठी रहती थी, और उसका नियम था कि उसके सारे राज्य को आगंतुक हड़प लेगा, लेकिन बिल्ली को प्रशिक्षित कर रखा था तो बिल्ली तो वहां से हिलने का नाम ही नहीं लेती थी, अधिकार हो जाता। अगर आगंतुक खेलने से पीछे हटता तो इस अवधि में बिल्ली निश्चल बैठी रहती थी,
मोमबत्तियां सही सलामत रहती तो आगंतुक हारा हुआ माना जाता। अब देखिए आगे क्या होता है कि वो क्या कहता है कि आगंतुक क्या करता है कि अपने आप को हारा हुआ मानेगा, उसके धन पर राजा का अधिकार हो जाएगा तथा उस आगंतुक को कारागार में डाल दिया जाएगा। कारागार यानी जेल में। आगंतुक जो आया है वहाँ, जो शरणार्थी आए हैं, जो रात को अंधेरा होने पर वहाँ रुक जाते हैं उनके लिए, और कारागार वहाँ जेल में। उन कर्मचारियों से चमन को यह भी पता चला कि बिल्ली पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित है। पूर्ण रूपेण यानी कि पूरी तरह से प्रशिक्षित, यानी कि पूरी शिक्षा उसको दी गई है। आज तक उसने कोई गलती नहीं की, वह हमेशा निश्चल भाव से बैठी रहती है। राजा इस प्रकार सैकड़ों आगंतुकों का माल हड़प चुका है। कारागार में भी उन पर बेहद अत्याचार किया जाता था। कर्मचारी भी राजा के अत्याचारों से बहुत दुखी थे। वे सब उससे बहुत दुखी और विवश थे, मजबूर थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि राजा का कानून ही ऐसा था। राजा बहुत ही निर्दयी था, वो दूसरों पर अत्याचार करता था। यह सब सुनकर चमन बहुत दुखी हुआ, मगर राजा के पास जाने के अतिरिक्त उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसके साथ दो नौकर भी आए हुए थे, उनमें से उसने एक को सराय में ही ठहरा दिया और दूसरे को साथ लेकर वह किस्मत के भरोसे राजा के महल की ओर चल दिया। देखो, जो चमन था उसके साथ दो नौकर भी आए थे, एक को तो उसने धर्मशाला में ही ठहरा दिया और दूसरे को अपने साथ लेकर महल में चला गया। सौदागर के महल में पहुंचने पर राजा ने अपनी प्रशिक्षित बिल्ली को बुलवाया और नियम अनुसार उसकी पीठ पर 7 मोमबत्तियां रख दी गई। बिल्ली निश्चल रूप से बैठी रही और शतरंज प्रारंभ हुई। पूरे 2 दिन और 1 रात शतरंज चलती रही। चमन का ध्यान तो बिल्ली पर ही केंद्रित था, मगर इस बीच बिल्ली तनिक भी हरकत में नहीं आई। निराश होकर चमन ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। क्यों? क्योंकि 2 दिन और 1 रात तक लगातार शतरंज चलती रही। आगंतुक को कोई अधिकार नहीं था कि वो वहां से उठकर कुछ भी कार्य कर सके, और राजा को सब कुछ था, इसलिए वो कब तक अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेगा। राजा तो प्रतीक्षा ही कर रहा था इस बात की। उसने चमन का सारा माल हड़प लिया और चमन को जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि राजा का नियम था ये। चमन के साथ आए हुए नौकर को भी राजा ने जेल में डालना चाहा, वो भाग गया जैसे वहां से पकड़ा जा मतलब वो जैसे भाग गया वहां से दूसरी तरह किसी तरह से भाग गया और अपने राज्य में वापस पहुंच गया। चमन की पत्नी को सारी बात कह सुनाई उसने, क्योंकि वो वहां से भागने में सफल हो गया। अब वो देखो चमन की पत्नी को क्या क्या सुनाता है यहाँ से जाकर, और चमन की पत्नी क्या निर्णय लेती है। चमन की पत्नी अत्यधिक बुद्धिमती थी, बुद्धिमनी यानी बुद्धि से बहुत अच्छा कार्य करती थी। चमन की गिरफ्तारी पर उसे दुख तो स्वभावतः हुआ, मगर वह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी। उसने समस्या पर विचार किया और एक योजना बनाई। अब देखिए उसकी योजना क्या होती है। योजना के अनुसार चमन की पत्नी ने एक बक्से में जीवित चूहों को भरा और उनके खाने के लिए उसमें थोड़ा अनाज भी डाल दिया। बक्से के चारों तरफ छोटे छोटे छेद भी कर दिए, जिससे चूहों को जीवित रहने के लिए हवा मिल सके। एक दूसरे बक्से में उसने थोड़ा सा कीमती सामान रखा। इसके बाद पुरुष वेश धारण कर एक नौकर को लेकर उसी राज्य की ओर चल दी जहाँ चमन कैद था। देखो महिला ने कितना बड़ा फैसला लिया है, और वो पुरुष का वेश धारण करके वहीं पहुंच गई जहाँ चमन कैद था। पुरुष वेश में चमन की पत्नी जब उस राज्य में पहुंची तो राजा के कर्मचारियों ने उसे भी राज्य के नियम के बारे में अवगत कराया, उसे महल में चलने का आदेश दिया। चमन की पत्नी ने पहले तो कुछ डरने का नाटक किया, फिर उसने सारे सामान और नौकर के साथ राजा के महल की ओर चल दी। देखो उसकी उसकी जो बुद्धि थी उसके अनुसार उसके सारे कार्य हो रहे थे।
चमन की पत्नी ने अपने नौकर को पहले ही अपनी योजना के बारे में बतला दिया था। योजना यह थी कि नौकर अपने पूरे सामान के साथ उस कमरे के बाहर रहेगा जहां पर शतरंज खेली जाने वाली थी। देखो, चमन की पत्नी को सब कुछ उस नौकर ने बता दिया था जो वहां से भागने में सफल हुआ था। उसने सारी शर्तें बता दी थी, सारे नियम बता दिए थे, इसलिए चमन की पत्नी अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां आई थी और उसने अपनी योजना अपने नौकर को भी बतला दी थी कि किस तरह से मैं अंदर जाऊंगी, तुम बाहर रहोगे और किस तरह से वो खेल शुरू होगा। शतरंज प्रारंभ होने के कुछ समय बाद शुरू में वह एक एक चूहा और बाद में सभी चूहों को एक साथ छोड़ देगा। देखो कितना अच्छा उसने नियम बनाया था कि शतरंज प्रारंभ होने के कुछ समय बाद शुरू में नौकर एक एक चूहे को छोड़ेगा और बाद में सभी चूहों को एक साथ छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वहां बिल्ली बैठी हुई थी और बिल्ली किसके ऊपर आक्रमण करती है? अगर बिल्ली चूहों को देख लेती है तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब देखिए क्या होता है आगे। नौकर ने सारी योजना भली भांति समझ ली थी। नौकर भी समझदार था, उसने चमन की बीवी से सारी बातें समझ ली थी। शतरंज का खेल शुरू हुआ। बिल्ली 7 मोमबत्तियों को अपनी पीठ पर संभाले निश्चल भाव से बैठी हुई थी। कुछ समय के बाद उसे एक ओर से चूहा अंदर आता हुआ नजर आया। बिल्ली क्या थी? पूरी तरह से प्रशिक्षित थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसे एक ओर से यानी कि एक तरफ से चूहा अंदर आता हुआ नजर आया। बिल्ली ने क्षण भर के लिए इस ओर देखा, यानी कि बिल्ली ने उस चूहे की तरफ देखा तो कि चूहे इधर उधर घूम रहे हैं, फिर उधर से अपनी नज़र मोड़ ली। बिल्ली बिल्कुल एकदम समझदार थी और उसने चूहे पर से अपनी नज़र हटा ली। क्यों? क्योंकि राजा ने उसे पूरी तरह से प्रशिक्षित कर रखा था। अगर उसको डर था कि अगर मैं चूहे की तरफ देखूंगी मेरा मन ललचाएगा और मुझे राजा से कुछ ना कुछ मतलब जैसे यूँ कहना कि वो प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, तो उसने अपना मन वहां से हटा लिया। इसके बाद दूसरा और फिर तीसरा चूहा अंदर आया। अब देखिए क्या होता है कि बिल्ली तो बेचारी कब तक कंट्रोल करे, उसने बहुत कोशिश की। जब एक चूहा अंदर आया तो उसने उस चूहे पर से अपना ध्यान हटा लिया, लेकिन थोड़ी देर में चूहे लगातार उस कमरे में आते रहे जहां वो शतरंज का खेल चल रहा था। एक के बाद एक चूहों को आता देखकर बिल्ली तो अपने होशो हवास खो चुकी थी और उसने क्या, अब देखो ये क्या क्या माहौल हो गया है इसका कि बिल्ली अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने उन नियमों को तोड़ दिया। अब आगे हम इस चैप्टर को फिर पढ़ेंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आपको बहुत ही मजे आएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्टेड चैप्टर है, आप इसके शब्दार्थ जरूर कर लेना, फिर हम आगे के जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं और शब्दार्थ है वो करवाएंगे। जो भी पीछे के चैप्टर्स अपन ने करवा लिए हैं उनको आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे, जो चीज़ नहीं आती है वो हम लाइव क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, तो आप अपना अब यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी आगे की कहानी बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।